हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन में हम आज ये जानेंगे कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है ये, और ये हम करेंगे टाइप फंक्शन की मदद से। जी हाँ दोस्तों, टाइप एक फंक्शन होता है पाइथन में। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई है और थोड़ा ये ब्रीफली डिस्क्राइब करके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन का जो आईडी है उसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पाइथन की आईडी के लिए मैं पीवाई टाइप करता हूँ और यहाँ पर आईडियली यहाँ पे आ चुका है और इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा पाइथन जो है ओपन हो जाएगा। चलिए यहां से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। यहां फाइल पे क्लिक करके यहां से न्यू फाइल ले लिया हमने। अब यहां पर हमें पता करना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका नाम है आर्यन, ये हमारे स्टूडेंट हैं। तो इन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझा रहा हूँ। देखिए, बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, तो पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप होता है। तो बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से बना बनाया डेटा टाइप। अब अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल बनाया ए, ए इज इक्वल टू, मैंने यहां लिखा अपना नाम, जैसे मान लीजिए अपने इंस्टीट्यूट का ही नाम लिख देता हूं, ये लिख दिया हमने, और ए में हमने क्या असाइन किया है, द साइन इन, ठीक है, ये असाइन किया है। तो देखिए, एक जो डेटा टाइप होता है जिसे हम स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं, तो अगर आपने कभी स्टडी करी होगी सी लैंग्वेज की तो आपको यह पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमने लिख दिया, अब इसको हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा प्रिंट, ठीक है, और अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाते समय हमें क्या देना होगा, हमने स्टोर किया है इस पूरे स्ट्रिंग को ए में, तो यहां पर ए दे देंगे, ठीक है। और अब चूंकि हमें यह भी पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो हमें यहां पर टाइप फंक्शन का भी यूज करना होगा। तो यहां से हम लिखेंगे टाइप, टी वाई पी ई, लिख दिया टाइप, और टाइप लिखने के बाद इसको यहां से ओपन करिए ब्रैकेट को, प्रिंट का एक ब्रैकेट ओपन होगा, टाइप का भी एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और यहां पर वो वेरिएबल का नाम आप दे दें। अब इसको डबल इंटेड कॉमा में रखने की जरूरत नहीं, यहां से आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहां से मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है द साइन इन इंस्टीट्यूट, ये किस टाइप का डेटा टाइप है ये बताएगा। तो कैसे बताएगा ये देखते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूं और इसे मैं नाम दे देता हूं स्ट्रिंग डबल जी कर लेता हूँ .py। अब ये सेव हो जाएगा, तो ये सेव हो गया हमारा। अब चलिए ये देखते हैं डेस्कटॉप पे, तो ये देख सकते हैं ये हमारी फाइल है। अब हमको अपने आईडीई पर वापस आना है, ये हमारी आईडीई है और यही हमारा प्रोग्राम है। अब इसको रन करते हैं हम यहां से, तो ये देख सकते हैं ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग बता रहा है, यानी कि ये जो डेटा टाइप हमने लिया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं है, यहां ए बी या सी नहीं लिखा हुआ है, यहां पूरा का पूरा लिखा हुआ है द साइन इन इंस्टीट्यूट। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। चलिए अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हम कुछ और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख दिया मैंने सिक्स, ठीक है, और इसमें सिक्स का डेटा टाइप हमें पता करना है, तो इसको सेव कर देते हैं पहले। तो ये सेव कर दिया हमने और फिर इसी को हम रन करते हैं, तो इस बार देख सकते हैं यहां पर ये बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। यहां पे इंट लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये इंट लिखा हुआ आया है, तो यानी कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं, और भी बिल्ट इन डेटा टाइप की बात करते हैं। अब हम फ्लोट की बात करेंगे, इंटीजर हमने देख लिया, ठीक है। अब फ्लोट जो है, अच्छा, टेक्स्ट टाइप में हमने आपको दिखाया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात की हमने, टेक्स्ट टाइप एक डेटा टाइप होता है उसके अंडर में आता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमने देख लिया। अभी हमने इंट देखा, तो इंट जो है न्यूमेरिक टाइप होता है, न्यूमेरिक यानी नंबर वाले, ठीक है। अब चलिए अब फ्लोट देखते हैं यहाँ पे, तो फ्लोट में क्या करेंगे हम, पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करता है ये, तो 6.78 लिख दिया है हमने, ठीक है, और इसका डेटा टाइप हमें पता करना है। तो अब ये डेटा टाइप फ्लोट बताएगा, तो इसको सेव एक बार कर लेते हैं। जैसे ही सेव करेंगे और यहां से रन करेंगे तो ये डेटा टाइप फ्लोट आएगा। तो यहां पे देख सकते हैं फ्लोट, यानी कि हम पॉइंट वाले वैल्यूज इसमें एंटर कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो थर्ड डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा, तो आइए देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है और इसको हम कैसे पता करेंगे। जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करते हैं तो आप नंबर और टेक्स्ट दोनों एंटर कर सकते हैं, कौन सा डेटा टाइप है। तो यहां मैं लिखता हूं 6J, ठीक है, तो यहां पे 6J लिखा हमने और इसको सेव कर दिया। अब इसको रन करता हूं यहां से,
तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, ठीक है, क्लास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पता चल गया, यानी कि कोई भी डेटा टाइप हमें पता करना हो तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है, ठीक है, अब हम आएंगे सीक्वेंस डेटा टाइप में। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में क्या क्या आएगा, लिस्ट आएगा, टपल आएगा, रेंज आएगा, ठीक है। तो लिस्ट की बात कर लेते हैं अभी। तो लिस्ट में हम कैसे देखेंगे, जैसे लिस्ट का जो भी डेटा टाइप होगा उसमें आप लिस्टिंग करेंगे, जैसे कई सारे नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमने बनाया है ए, ठीक है, अब यहां मैं लगा लेता हूं एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक सिंगल डॉटेड कॉमा में ही लिख लेता हूं, डबल डॉटेड कॉमा भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां मैंगो, ठीक है, लिखा, अब यहां पर देंगे हम कॉमा, मैंगो हो गया। अब यहां लिखता हूं मैं ये पाइन एप्पल, लिख दिया हमने, कॉमा दिया। अब यहां पर लिखता हूं मैं एप्पल, स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं बनाना, तो बनाना लिख दिया। अच्छा, सिंगल इंटेड कॉमा या डबल इंटेड कॉमा में जरूर रखिएगा, या तो सिंगल इंटेड कॉमा रखिए या तो डबल इंटेड कॉमा रखिए, ये पूरा हमने लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इस ब्रैकेट को यहां पे क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। अब हमको इसका डेटा टाइप पता करना है, कैसे पता करें, तो तरीका वही है, आपको यहाँ पे सिंपली टाइप लिखना है और यहाँ पे जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। और अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपली इसको रन करवाना है, तो जो भी है इसको हम रन करवा लेते हैं। तो पहले सेव करते हैं, फिर यहां से रन करवाते हैं, F5 प्रेस कर देंगे तो भी रन हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो ये देख सकते हैं ये रन हो गया और ये बता रहा है कि ये लिस्ट क्लास का डेटा टाइप, यानी कि जो हमने डेटा टाइप अभी आपको बताया जो कि थर्ड टाइप का डेटा टाइप है, थर्ड बुलियन डेटा टाइप है जिसे हम सीक्वेंस टाइप कहते हैं, उसमें जो है लिस्ट की बात हमने करी है, तो लिस्ट डेटा टाइप ये बता रहा है, ठीक है। अब हम टपल की बात करते हैं, ठीक है, टपल डेटा टाइप को हम कैसे फाइंड करेंगे और टपल डेटा टाइप में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो यहां पर हमने बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और टपल डेटा टाइप में हम बना लेंगे कौन सा ब्रैकेट, हम बनाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, ये लगा लिया स्मॉल ब्रैकेट और यहां पर लगा लीजिए स्मॉल ब्रैकेट, ओके लगा लिया। अब हम इसको सेव करते हैं, क्या सेव, ठीक है। ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन कि टपल क्या होता है, कैसे टपल यूज करना तो आपने सीख ही लिया, यहां देखिए क्लास बता रहा है टपल, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे काम करेगा, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं, डेटा टाइप कैसे पता करते हैं, ये सारी चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है अगर आप पाइथन सीख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा, तो हमने टपल के भी बारे में जान लिया, लिस्ट के भी बारे में जान लिया, और एक डेटा टाइप है इसमें जिसका नाम है रेंज। तो अब रेंज के बारे में जान लेते हैं, रेंज क्या काम करता है, ठीक है। तो रेंज में क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा दिया हमने। अब यहां पर रेंज डेटा टाइप का यूज करेंगे, तो लिखते हैं हम R A N G E, ठीक है, रेंज लिखा हमने। और रेंज में क्या करेंगे हम, रेंज में हम देंगे 6, यहां पर लिख देता हूं मैं 6, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा 6, तो यहां 6 लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसका डेटा टाइप हमें पता करना है, कैसे पता चलेगा, यहां से रन पर क्लिक करता हूं, तो यहां पर देख सकते हैं ये रेंज जो है बता रहा है, ठीक है, यहां पे हमने रेंज लिखा है, तो ये रेंज डेटा टाइप है, ठीक है। और यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहां पे 6 मैंने दिया है, आप चाहे तो यहां चेंज भी कर सकते हैं, यहां पर देखिए मैं 5 कर देता हूं, लेकिन ये डेटा टाइप तो रेंज ही है क्योंकि रेंज का हमने यहां पे प्रयोग किया है, और इसका क्या प्रयोग होता है और ये क्या इसका रिजल्ट मिलता है वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए रेंज डेटा टाइप को हमने देख लिया, अब जो नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास है, ठीक है, वो है अब मैपिंग टाइप का डेटा टाइप जिसमें डिक्ट आता है, ठीक है। तो अब हम मैपिंग टाइप का डेटा टाइप देखेंगे और उसका क्या यूज है वो भी देखेंगे। तो मैपिंग में हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और जो भी चीज आप प्रिंट कराना चाहते हो वो सारी चीजें प्रिंट होकर आ जाती है। कैसे होंगी आइए देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, अब ए ही वेरिएबल मैं रखता हूं, ठीक है, और यहां पर कर्ली ब्रेसेस मैं लगा लेता हूं, कर्ली ब्रेसेस लगाया हमने। अब यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया फ्रूट, F R U I T,
ठीक है, फ्रूट लिख दिया। अच्छा फ्रूट जब लिखा हमने तो इसे हम डबल इंटेड कॉमा में या सिंगल इंटेड कॉमा में रखेंगे, ये मैं सिंगल इंटेड कॉमा में ही रख लेता हूं इसे, ये हमने सिंगल इंटेड कॉमा में कर लिया। आप डबल इंटेड कॉमा लगाइए, सिंगल इंटेड कॉमा, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, कोलन लगा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब फ्रूट का नाम लिखते हैं, जैसे मैंगो लिख लिया हमने, ओके, सिंगल इंटेड कॉमा लगाया और यहां पर भी ओपन कर लिया, फिर यहाँ क्लोज तो कर ही दिया है हमने, तो ये हो गया मैंगो, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, मैंगो लिख लिया हमने, अब हमको क्या करना है, अब मान लो कि मैंगो किस मौसम में मिलता है, किस मौसम में मिलता है, तो समर में मिलता है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं समर, ठीक है। मैंगो किस मौसम में मिलता है, समर में मिलता है, तो यहां पे हम कॉमा देते हैं और लिख देते हैं समर, एस यू डबल एम ई आर, समर लिख दिया, तो ये हो गया समर, ओके। अच्छा समर कौन सा मंथ से स्टार्ट होता है, जैसे अप्रैल से यहाँ गर्मी पड़ने लगती है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि फोर्थ मंथ होता है, तो यहाँ मैं फोर लिख देता हूँ, ठीक है, और फोर लिख दिया हमने। और क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोलन भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगा देते हैं, और फोर यहाँ लिख दिया हमने और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब इतना जब हो गया तो अब हमें इसे रन करवाना है, तो चलिए आइए इसको रन भी करवाते हैं, इसमें थोड़ा गैपिंग कर देते हैं, ये रन करवाते हैं, यहाँ से पहले सेव करेंगे फिर रन करवाएंगे, तो ये सेव किया हमने और यहाँ से करवा दिया इसको रन, तो ये देख सकते हैं बता रहा है कि ये डिक्ट डेटा टाइप है, और ये डिक्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसको पता करते हैं कि ये डेटा टाइप कौन सा है, ये मैं बता रहा हूँ, क्या होता है कैसे यूज होगा ये नेक्स्ट वीडियो में, तो ये देख सकते हैं ये डिक्ट डेटा टाइप ऐसे काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हमें देखना है डिक्ट के बाद जो सेट डेटा टाइप होता है, यानी कि एक मैपिंग टाइप में डिक्ट आ गया और सेट टाइप में आएगा आपका सेट डेटा टाइप, और फ्रोजन सेट भी आता है, तो पहले सेट को देखेंगे हम कि सेट क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम सिर्फ जो स्ट्रिंग होता है उसी को लेंगे, और कैसे लेंगे, ये देखिए इसको मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। अब हम केवल स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे मान लीजिए राम कॉमा श्याम, अच्छा डबल इंटेड कॉमा लगाना मत भूलिएगा, यहां पे डबल इंटेड कॉमा या सिंगल इंटेड कॉमा जो आप रखते हो वो रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद नेक्स्ट नाम दे दीजिए, जो भी देना चाहते हो कॉमा दीजिए, अनुज जो भी आप देना चाहते हो यहाँ पे दे सकते हैं बहुत ही इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं सेट डेटा टाइप, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दिया हमने, अब यहां से इसको सेव करते हैं, अब यहां से अब रन करवाने की बारी है, तो रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है कि सेट डेटा टाइप है ये, ठीक है। अब फ्रोजन सेट की बात कर लेते हैं, फ्रोजन सेट कैसे पता चलेगा, फ्रोजन सेट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा ये देख लेते हैं। यहां पर ए लिया है हमने, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, अच्छा फ्रीज माने क्या होता है, जमना, फ्रोजन सेट, ठीक है, तो फ्रोजन सेट लिख दिया हमने। और ये यहां पर एक कर्ली ब्रेसेस भी लगाएंगे हम, कर्ली ब्रेसेस लगा लिया। अब पहला जो हमने नाम लिखा है वो लिखा है राम, फिर श्याम लिखा है, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी, बस हमको करना क्या है, यहां पर जो हमने स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया था इसको क्लोज कर देना है, तो यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और यहां से अब इसको सेव कर देते हैं। अब चलिए रन करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये देख सकते हैं ये फ्रोजन सेट बता रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये फ्रोजन सेट डेटा टाइप है, ठीक है। चलिए